ए भाई, मुर्गी अंडे देने वाली है अभी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा तो भाई दोस्तों, इस वीडियो में जो है ना, मैंने आपको वो दिखाना है। यार धूप कितनी आ रही है, नज़र आ रहा है? नहीं आ रहा। मैं पर्दा नीचे करता हूँ उस तरफ से, फिर मैं आपको दिखाता हूँ। तो अब आपको नज़र आ रहा होगा, पर्दा भी मैंने नीचे कर दिया, क्योंकि उस तरफ से ना धूप आ रही थी तो अंधेरा अंधेरा सा लग रहा था ना। अच्छा तो भाई, इस वीडियो में आपको पता तो चल गया होगा कि अंडे ख़राब हुए हैं डफ के एक पेयर के। और वो पेयर वो था जो मैंने आपको कुछ दिन पहले एक वीडियो बना के दिखाई थी, उसमें मैंने आपको बताया था कि डफ के एक जोड़े ने जो ना वो 4 अंडे दिए थे, और उसकी वो पहली ब्रीड थी। पहली ब्रीड में उसने 4 अंडे दे दी थी, और वो जो है ना ये वाला पेयर था। और ये अंडे आप देख सकते हैं, इसने जो ना ये चारों अंडे अपने ख़राब कर दिए। अब ख़राब क्योंकि इसकी वजह मुझे शायद मेरी वजह से हुआ, ऐसा हो सकता है। क्योंकि 2 दिन पहले ना जब मैं इनको लूसन वगैरह डाल रहा था, तो ये वाली टोकरी के अंदर ना घास जो होती है, जो नेस्टिंग होती है, वो कम थी, बिल्कुल ख़त्म हो गई थी। तो थोड़ी सी जो है ना वो लूसन को मैंने गोल गोल करके इसके ऊपर डाल दिया है, ताकि थोड़ी नेस्टिंग भी हो जाए और अंडे जो है ना वो बिल्कुल इस टोकरी के ऊपर रखे हुए थे बिल्कुल फ्लैट जगह पर। तो मैंने थोड़ी सी लूसन डाल के और अंडे को लूसन के ऊपर रख दिया था, ताकि मादी आराम से बैठ जाए, थोड़ा नरम नरम सा हो जाए। लेकिन उसके बाद से मादी जो है ना वो बैठी नहीं। मैंने एक दिन पूरा इंतज़ार किया, मैंने बोला शायद अभी थोड़ा सा बैठ जाए थोड़ी देर बाद, लेकिन 2 दिन हो गए वो मादी बैठ नहीं रही है इसके ऊपर। तो अभी जो है ना ये अंडे वैसे ख़राब हो गए, कलर से भी आपको पता चल रहा होगा, और मैंने अभी चेक किया था तो बिल्कुल ठंडे हो रहे थे। वैसे ख़राब हो गए ये तो कन्फर्म है। अभी मैं आपको तोड़ के भी दिखाऊँगा कि इसके अंदर क्या सिचुएशन थी, बच्चे बने हुए थे या अभी नहीं बने हुए थे। वैसे मैंने बाकी टोकरियों में भी थोड़ी थोड़ी जो है ना लूसन डाली थी, या आप देख सकते हैं इसके अंदर भी थोड़ी सी लूसन डाली थी, तो ये भी आराम से बैठ गई। इसके अंदर भी डाली थी, ये भी आराम से बैठी हुई है। इन दोनों में भी डाली थी मैंने, ये भी आराम से बैठी हुई है, लेकिन खाली ये वाली मादी जो है ना वो नहीं बैठी लूसन डालने के बाद। पता नहीं क्या मसला हुआ। तो मैं इसके दोस्तों ये अंडे बाहर निकालता हूँ, और बाहर निकाल के मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये अंडे मैंने निकाल दिए, अब जो है ना मैं आपको तोड़ के भी दिखा देता हूँ कि इसके अंदर क्या सिचुएशन है। ये देखेंगे, एक अंडा लिया है, इसको कहीं पर मारता हूँ मैं ताकि ये टूट जाए। ये देखें, ये अंदर कुछ भी नहीं है, इसके खाली पानी है। अब इसको जो है ना मैं डालूँगा मुर्गी को, तो ये देखिएगा कैसे खाती है, कहाँ गई है ना। वो देखें, वो वाइट वाली ले गए, वाइट वाली बहुत तेज़ है भाई। एक और तोड़ के मैं आपको दिखा देता हूँ, ये भी खाली है, ठीक है, अंदर बिल्कुल पानी है इसके अंदर। और ये तीसरा भी मैं आपको तोड़ के दिखाता हूँ, ये भी बिल्कुल खाली है। और ये आखिरी वाला भी देख लेते हैं, ये भी खाली है बिल्कुल। तो चले, अब मैंने अंडे निकाल दिया, उम्मीद है कि ये दोबारा से ब्रीड कर देगी। वैसे इसकी ये पहली ब्रीड थी, और ये वही वाला पेयर है वो जो मैंने पहले इसके 2 नर का पेयर बना के लगा दिया था, जब शुरू शुरू में जब मैंने पिंजरे में शिफ्ट किया था ना। लेकिन फिर बाद में ब्रीडिंग नहीं आ रही थी, तो मैंने चेक किया था, तो फिर पता चला दोनों नर हैं। तो फिर मैंने एक मादी लगाई थी, और फिर मादी ने ब्रीड करी थी, 4 अंडे दिए थे। तो फिर अब अंडे ख़राब हो गए, इंशाल्लाह दोबारा कर देगी। और बात मैं आपको बताता हूँ कि इन्होंने जो है ना अपनी दूसरी ब्रीडिंग भी स्टार्ट कर दी है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको दिखाया था कि मैंने इनके सारे पट्टे जो है ना वो एक जगह जमा कर दिए, इस वाली जगह पे। और उसके अलावा जो है ना इन्होंने ब्रीडिंग स्टार्ट कर दी। ये वाली ने तो पहली करी थी, तो इसके तो अभी अंडे ख़राब हो गए, इसको थोड़ा टाइम लगेगा दूसरी ब्रीड में। इसके अलावा ये वाली जो है ना, इसने भी अंडे दिए हुए, और माशाल्लाह से इसके देखें एक अंडा है और एक बच्चा है। अंडा मेरे ख्याल से ख़राब हो गया, क्योंकि बच्चा जो है वो काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो गया, अब उसमें से निकलेगा नहीं बच्चा जो अंडे के अंदर है। और तो इसने तो दूसरी ब्रीड का इसका बच्चा भी निकल गया, ठीक है एक। और इसके अलावा ये वाली मैंने भी अंडा दिया हुआ है, इसने भी अंडा दिया हुआ है, और ये वाली मादी भी अंडों पे बैठी हुई या फिर अंडे देने वाली है। तो ये सिचुएशन है कि इन्होंने दोबारा भी ब्रीड शुरू कर दिया, अभी अभी मैंने इनके बच्चे अलग करे थे। और ये वाला जो पेयर है ना, इसके भी अभी अंडे पे बैठी हुई है मादी, शायद आपको थोड़ा सा नज़र आ रहा हो, ठीक है, वो ऊपर बैठी हुई टोकरी के अंदर। और इसके अलावा एक छोटा सा काम मैंने और करना है, ये जो मुर्गों का जो ये पानी का प्याला है ना, पानी इनका ख़त्म हो गया, तो इसको मैंने पानी भरना है। तो चले मैं पहले इसका पानी भरता हूँ, उसके बाद फिर वीडियो ख़त्म करता हूँ। ओके दोस्तों, पानी भी मैंने जो है चेंज कर दिया। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। अंडे बहुत शौक से खाती हैं लोग।